हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द बायो क्वेश्चन 14.1 विद्यार्थियों आज हम बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड प्रश्नोत्तर जो है क्वेश्चन एंड आंसर दोनों हम सीखेंगे लर्न करेंगे समझेंगे और उन्हें याद करेंगे देखिए क्लास ट्वेल्थ का बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का चैप्टर है और क्लास एलेवंथ में बायोलॉजी में बायो, बायो मॉलिक्यूल्स है बायो मॉलिक्यूल्स को आप केमिस्ट्री बायोलॉजी में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आता है पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं आपके पास एक जगह अगर आप लर्न कर लेते हैं अगर केमिस्ट्री के लिए लर्न किया है तो वो ऐसा कैसा किस तरफ आप बायोलॉजी में भी उसका उपयोग कर सकते हैं कोरिलेशन का मतलब ये है कि आप एक जगह लर्न करें अगर वो कोइंसाइड हो रही है यूनिट या चैप्टर तो आप उसका एक जगह लर्न करके दोनों के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करके मतलब बेसिक सब्जेक्ट को समझे और उसके आंसर लिख दे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट वन ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बैनज सिक्स सिंपल मेंबर ड्रिंक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सप्लेन देखिए ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो वाटर में सॉल्युबल है बट साइक्लोहेक्सेन जैसे बेंजीन जिनमें सिक्स मेंबर्स रिंग कंपाउंड है ग्लूकोज में भी सी सिक्स एच टिक्स होता है और इधर सी एच सिक्स जो होता है बेंजीन में होता है बट ये इन इन वाटर है ऐसा क्यों अब आंसर क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेंस फाइव ओ एच ग्रुप्स वायरल सुक्रोज मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स एट ओ एज ग्रुप उनका कहना है कि ग्लूकोज मालिक्यूल्स में फाइव ओ एज ग्रुप होते हैं जबकि सुक्रोज मालिक्यूल्स में एट ओ एज ग्रुप्स होते हैं दस द ग्लूकोज एंड सुक्रोज अंडर गो एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग विद वाटर और इस कारण से एच का वाटर से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हिन्स दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर इसलिए ये सॉल्यूबल है वाटर में बट साइक्लो एंड द बेंजिन डू नॉट कंटेन ओ एज ग्रुप्स पर जो साइक्लो है और जो बेंजिन है उनमें ओ एज ग्रुप नहीं होता हिंस दे केन नाट अंडर गो एज बॉन्डिंग विथ वाटर एंड एज अ रिजल्ट आर इन्सॉल्यूबल इन वाटर इस कारण से वो आ, वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं देखिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा आपको लर्न करना पड़ेगा बार बार सुनिए और फिर उसको जब सुन लें आप तो एक बार दो बार न, थर्ड अटैम्प्ट में फोर्थ अटैम्प्ट में फिफ्थ अटैम्प में उसके बाद इसको बिना देखे अपने असाइनमेंट में लिखिए और फिर उसको चेक करिए कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं यही एक प्रोसीजर है क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट टू हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिस ऑफ द लैक्टोज जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको कौन कौन से प्रोडक्ट या उत्पाद मिलने की संभावना है उत्तर देखिए क्या कहते हैं उत्तर में उत्तर में ये बताया गया है कि लैक्टोज इज कम्पोज ऑफ द बीटा डी गलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देखिए लैक्टोज जो है वो बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है दज ओन हाइड्रोलिस इट गिव्स बीटा डी गैलेक्टोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज और जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी वही क्या देगा बीटा डी गैलेक्टोज देगा और बीटा डी ग्लूकोज ही देगा देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरीके इसका हाइड्रोलिसिस किया ये लैक्टोज है बीटा डी ग्लूकोज यहाँ देखिए हाइड्रोजनेशन कैसे किया हाइड्रोलिसिस का सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस एच टू ओ ठीक है तो क्या हो गया सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये डी ग्लूकोज और सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स उसमें डिकम्पोज हो गया ठीक है अब क्वेश्चन फोरटीन पॉइंट थ्री पे आ जाते हैं हाउ डू यू एक्सप्लेन द दफ्सेंस ऑफ द एल डी हाइट ग्रुप इन द पेंटा एसिटीट ऑफ द डी ग्लूकोज ठीक है हाउ डू यू एक्सप्लेन द दफसेंस ऑफ द एल डी हाइट ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसकी अनुपस्थिति को एल्डिहाइड ग्रुप की अनुपस्थिति को पैंटाऐसीडेड डी ग्लूकोज के अंदर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द हाइड्रो जहलेमाइन एनएस टू ओ एच टू फॉर्म एन ऑक्स ऑक्साइन ऑक्साइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल सी एच ओ ग्रुप और द कार्बोनाइन ग्रुप दिस हैपन्स एज द साइडिक स्ट्रक्चर ऑफ द साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज फॉर्म्स एन ओपन चेन स्ट्रक्चर एन एन एक्वियस मीडियम विच देन रिएक्ट विद द एन एस टू ओ एच टू गिव एन ऑक्ज यह हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं नेक्स्ट में तो ये हो गया आपका नेक्स्ट में आ जाते हैं देखिए क्या चीज है यह इन्होंने बता रखा है इस तरीके से देखिए ये पूरा सी एच ओ सी एच ओ एच फोर एन एच फोर ओ एच अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन में चेंज हो गया जो एन है वो सी एच एन के बीच में बॉन्ड हो गया ठीक है बट पेंटा एसिडेट और डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द एन एच टू ओ एच किंतु जो पेंटा एसिडेट जो है वो डी ग्लूकोज ऑफ डी ग्लूकोज का जो पेंटा एसिडेट है वो एन एस टू ओज से रिएक्ट नहीं करता दिस इज बिकॉज पेंटा एसिटी डज नॉट फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर और इसीलिए वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाता है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोरटीन पॉइंट फोर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इन सॉलिबिलिटी इन वाटर ऑफ द एमिनो एसिड्स आर द जनरली हायर देन दैट ऑफ द करस्पोंडिंग हालो एसिड्स एक्सप्लेन सो इसका आंसर यहां देखते हैं हम ठीक है बॉथ एजिक कार्बोक्सिल एज वेल एज एज बेसिक एमिनो ग्रुप्स आर प्रजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड देखिए एसिडिक और बेसिक एमिनो और कार्बोक्सिल दोनों एमिनो एसिड्स के सेम मॉलिक्यूल्स में होते हैं इन एक्वेस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लॉस अ प्रोटॉन एंड देन एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन देखिए जब एक्वेस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक प्रोटॉन को लॉस करता है और एमिनो ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है दस गिव्स राइस टू ए डाइपोलर आयन नोन एज द ज़िटर आयन और ये डायपोलोपोलर आयन को क्या करता है राइस करता बढ़ाता है और उससे हम ज़िटर आयन बोलते हैं देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दिखाया है ये जिटर आया उनके ड्यू टू दिस डाइपोलर बिहेवियर दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक एंट्रैक्शन विद इन देम एंड विद वाटर बट हेलो एसिस डू नॉट एग्जिबिट सच डायपोलर बिहेवियर देखिए ये डायपोलर जो बिहेवियर है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक एंट्रेक्शन को पैदा करता है मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बढ़ जाता है वाटर में बट हेलो एसिड्स जो है वो इस तरीके का डायपोलर बिहेवियर नहीं शो करते हैं फॉर दिस रीजन द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द सोलिबिलिटी ऑफ एम्यूनो एसिड्स इन वाटर इज हायर देन दूज ऑफ द करस्पोंडिंग हेलो एसिड देखिए एम्यूनो एसिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इन वाटर है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है हेलो एसिड्स की तुलना में क्वेश्चन 14.5 वेयर डज द वाटर प्रजेंट इन द एग को आफ्टर बॉइलिंग द एग है ना जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसका वाटर कहाँ चला जाता है वेन एन एग इज़ बॉइल्ड द प्रोटीन प्रजेंट इन साइड द एग गेट डी नेचर्ड एंड को एगुलेटेड आफ्टर बॉयलिंग द एग द वाटर प्रजेंट इन इट इज़ अब्जोर्ब बाय द को एगुलेटेड प्रोटीन थ्रू एच बॉन्डिंग एज बॉन्डी के थ्रू जो प्रोटीन है को एगुलेटेड हो जाता है वो एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट पल्पी होके पफी होके पफी हो जाता है ओके क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट सिक्स वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में विटामिन सी स्टोर्ड क्यों नहीं होता क्यों नहीं कर सकते विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्यूबल एज अ रिजल्ट इट इज़ रेडिली एक्सक्रेटेड इन द यूरन सबसे बड़ी बात है कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में इसलिए नहीं हो सकता है कि वाटर सोल्यूबुल है और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है हम कितना भी विटामिन से ले वो बाहर हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट सेवन वट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्मड वेन ए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डी एन ए कंटेनिंग थाइमाइन इन हाइड्रोल आंसर वह देखिए क्या कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड डीएनए कंटेनिंग जिस डीएनए में थाइमाइन है उसको न्यूक्लियोटाइड या हाइड्रोलाइसिस करेंगे वह न्यूक्लियोटाइड फॉर्म एंड डीएनए एन कंटेनिंग थाइमाइन इज हाइड्रोलाइज थाइमाइन बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस एंड फॉस्फोरिक एसिड और ऑप्टेन एज द प्रोडक्ट्स हमें थाइमाइन जो है बीटा डी टू डी एंड फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा एट बायोमोलिकल वेन आर एन हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज देर इज नो रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट बेसिस ऑफ टेन वट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर एन ए देखिए जब आर एन ए को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो कोई रिलेशनशिप उसमें नजर नहीं आती उसकी क्वांटिटी, डिफरेंट बेसिस ऑप्टन जो भी मिलते हैं तो क्या फैक्ट हमको पता लगता है आर एन ए के स्ट्रक्चर के बारे में आंसर अ डी एन ए मालिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मालिक्यूल डबल स्टैंडर्ड होता है इन विच द पैरिंग ऑफ बेस ऑक्योर्स और वहां पर बेसिस का पैरिंग होता है एड ऑलवेज पेयर्स विद द थामाइन एडेनाइन हमेशा किसके साथ पेयर बनाता थाइमाइन के जब वाइल साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विद द ग्वेनाइन जबकि साइटोसाइन जो है हमेशा ग्वानाइन के साथ पेयर बनाएगा देर फोर ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द डी एन ए द क्वांटिटी ऑफ एडेनाइन प्रोड्यूसड इज इक्वल टू दैट ऑफ द थाइमाइन एंड सिमिलरली द क्वांटिटी ऑफ द साइटोसाइन इज इक्वल टू दैट ऑफ द गोयनाइन जब भी उनका Uh, इस प्रकार सा हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो डी एन ए द क्वांटिटी ऑफ द एडी नाइन जितना प्रोड्यूस होगा उतनी ही क्वांटिटी में थाइमाइन होगा और इसी तरीके से साइटोसाइन जितना होगा उतना ही ग्वेना होगा बट वेन द आर एन इज हाइड्रोलाइज देर इज नो रिलेशनशिप अमॉग द क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट बेसिस ऑफ टेन किंतु जब हम आर की बात करते हैं तो आर को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इस तरह की ऊपर जैसे डी एन में रिलेशनशिप है वैसी रिलेशनशिप इसमें नहीं है क्योंकि सेम क्वांटिटी क्वांटिटी को लेकर क्वांटिटी उसकी डिफर होती है हिंस आर एन सिंगल स्टैंड इसलिए आर सिंगल स्टैंड होता है व्हाट आर मोनोसेक्राइट्स मोनोसेक्राइट्स क्या होते हैं आंसर मोनोसेक्राइट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइडोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ द पोली थाइड्रोक्सी एल्डे हाइड और कीटोन मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको हाइडोलाइज करने के बाद वो फर्दर सिंपलर यूनिट पोली हाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और कीटोन नहीं देते हैं उनमें चेंज नहीं होते हैं मोनोसेक्राइड्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शंस ग्रुप

मोनोसेक्राइड्स जो है जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डिहाइड uh, होगा तो एल्डोस कहेंगे और कीटो 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 ग्रुप होगा तो कीटोसिस कहेंगे मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एस ट्रायोसिस टैट्रोसिस पेंटोसिस हैगजोसिस एंड द हेप्टोसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे कंटेन उनको जो मोनोसेक्राइड्स है उनको फर्दर uh, अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें तो अगर उसमें थ्री कार्बन एटम है तो ट्रा ट्रायोसिस कहेंगे फोर कार्बन एटम्स है तो टैट्रोसिस और फाइव कार्बन एटम है तो पेंटोसिस हो जाएगा सिक्स कार्बन एटम है तो हेक्सोसेस हो जाएगा और सेवन है तो हेप्टो तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कीटोज कंटेनिंग थ्री कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कीटो ट्रॉय ट्रायोज एंड एन एल्डोल एल्डोज कंटेनिंग थ्री कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एल्डो ट्रॉय ट्रायोस इस तरीके से ये इसका नामिनिकलेचर होगा क्वेश्चन फोरटीन पॉइंट टू व्हाट आर रिड्यूसिंग सुगर्स रिड्यूसिंग सुगर्स किसे कहते हैं रिड्यूसिंग सुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड द टॉल एट रिहेजेंट सीधा सा है कि रिड्यूसिंग सुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो फाइलिंग सॉल्यूशन और टालन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते ऑल मोनोसेक्राइट्स एंड द डी डाइसेक्राइड्स एक्सक्लूडिंग सुक्रोज आर रिड्यूसिंग सुगर्स जितने भी मोनोसेक्राइड्स है डाइसेक्राइड्स है सिर्फ आप सुक्रोज को एक्सक्लूडिंग सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब रिड्यूसिंग सुगर्स राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्लांट्स प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के दो क्या मेन कार्य है ये आपको लिखना है

सेल्यूलोज बनाता है वो क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट फोर क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू टू द मोनोसेक्राइट्स एंड द डायसेक्राइट्स हमको नीचे जो दिए गए हैं उनमें से पोलीसेक्राइट्स और मोनोसेक्राइट्स को ढूंढना है राइबोज टू डी ऑक्सी राइबोज माल्टोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज एंड द लैक्टोज आंसर मोनोसेक्राइट्स कौन कौन से होंगे इसमें राइबोज टू डी ऑक्सी एंड गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज ओके डायसेक्राइट्स जो है माल्टोज एंड लैक्टोज है आपको लर्न रखना पड़ेगा और लर्न करिए क्वेश्चन इन वन फाइव वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आप क्या समझते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रेफर्स टू द लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइट्स यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल देखिए ग्लाइकोसेडिक लिंकेज दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में यूनिट के बीच में लिंकेज होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स में से है ना ऑक्सीजन लॉस होकर इन दोनों के बीच में लिंक बना लेता है फॉर एग्जाम्पल इन अ सुक्रोज मॉलिक्यूल टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फकरोज और जॉइंट टुगेदर बाय ग्लायकोसेडिक लिंकेज ये ग्लाइकोसेडिक लिंकेज इसमें दिया हुआ ये आपको बना के लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट सिक्स इज ए ग्लाइकोजन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च ग्लाइकोजन क्या है और स्टार्च डिफर क्यों है ग्लाइकोजन इज ए कार्बोन कार्बोहाइड्रेट पोलीसेक्राइड इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन देखिए ग्लाइकोजन है कार्बोहाइड्रेट है पोलीसेक्राइड है जो एनिमल में होता है और स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल में इज जैसे कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ द टू कंपोनेंट अमाइलोज फिफ्टीन टू 20 परसेंट एंड अमा लोपैक्टिन एटी टू एटी फाइव परसेंट हाव एवर ग्लाइकोजन कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन कंपोनेंट हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन अल्सो ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलो क्टिव क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट सेवन व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ द सुक्रोज एंड द लैक्टोज सुक्रोज और लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फर्स्ट आंसर ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्स वन मालिक्यूल ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द वन मालिक्यूल ऑफ द बीटा डी फ्रक्टोज जैसे ही हम सुक्रोज का हाइड्रोलिस करेंगे तो हमको अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रैक्टोज मिलेगा देखिए the hydrolysis of the lactose gives a beta d galactose and the beta d glucose aur jab lactose ka hydrolysis karenge to humko beta d galactose aur beta d glucose milega ye hai dekhiye ये, ये स्ट्रक्चरल ये आपको learn करना पड़ेंगे practice करना पड़ेगी इनको फोर एंड पॉइंट What is the basic structure difference between starch and cellulose what is the basic structural difference between starch and cellulose starch and cellulose are the basic difference kya hai? starch consists of the two components amylose and the amylopectin starch mein amylose hai or amylopectin hai. amylose is a long lin uh, uh, linear chain of the alpha d glucose जो अमाइलोज है वो लॉन्ग लिनियर चेन है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जॉइंट द सी वन टू सी फोर ग्लाइकोसैडिक लिंकेज अल्फा लिंक बोलते हैं इसको वो से जुड़ा हुआ है अमाइलो इज द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच द चेन इज फॉर्म्ड बाय सी वन टू सी फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड द ब्रांचिंग आक्योर्स बाय द सी वन टू सी सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये देखिए इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है एमाइलो पैक्टिन ये उसका स्ट्रक्चर है कम्पोज इन कंपाउंड स्ट्रक्चर है ऑन द अदर हैंड सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पोलीसेक्राइड और द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन बाय द सी वन टू सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा लिंक यहाँ देखिए ये वाट क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट नाइन व्हाट हैपन्स वेन द डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट जब ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज को ट्रीट किया जाएगा एच आई ब्रोमिन वाटर और नाइट्रिक एसिड के साथ वेन द डी ग्लूकोज इज हीटेड विद द एच आई फॉर अ लॉन्ग टाइम एन हेक्जेन इज फॉर्म्ड एन हैगजेन बनेगा वेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद बी आर टू वाटर ब्रोमिन वाटर डी ग्लूकोज इज एसिड इज प्रोड्यूजोइन ग्लूकोनिक एसिड बनेगा ठीक है और इन बींग ट्रीटेड विद एच एन ओ थ्री डी ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू गिव से सैक्रिक एसिड बना देगा ये ठीक है फोर्टीन पॉइंट टेन क्वेश्चन एनमर एट द रिएक्शन ऑफ द डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड गिव्स द टू फोर डी एन पी टेस्ट शिप टेस्ट एंड द रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोसल्फेट To form the hydrogen sulfide addition product, however glucose does not undergo this reaction. The pentaacetate of glucose does not react with the hydroxylamine. This indicates that a free CHO group is absent from glucose. glucose in the two crystalline forms minus alpha and beta the alpha form m p equal to 419 kelvin and the crystallized form is the concentrated solution of the glucose at 303 kelvin at the beta form of the m p 423 k crystallized form, uh, uh, form a hot and the saturated aqueous solution of 371 k this behavior cannot be explained by the open chain structure of glucose 14.11 what are the essential and non-essential amino acids I give two examples of each type answer essential amino acids are the required by the human body but they cannot be synthesized in the body they must be taken through food for example valine and the leucine non-essential amino acids are also required by the human body but they can be synthesized in the body for example glycine and the alanine

primary uh, structure the primary structure of the proteins refers to the specified, uh, specific sequence in which various amino acids are present in it that is the sequence of the linkage between amino acids in a polypeptide chain the sequence in which amino acids are arranged in different the each protein a change in the sequence creates a different protein denaturation in a biological system a protein is found to have a unique three dimensional structure and a unique biological activity in such a situation the protein is called the native protein however when the native protein is subjected to the physical changes such as change in the temperature or the chemical changes such as a change in ph value this is the each bond are disturbed this disturbance unfolds the globulus and the uncoils the helix as a result, the protein losses its biological activity. This loss of the biological activity by the protein is called the denaturation. Uh, during the denaturation, the secondary and the territory structure of the proteins get destroyed, but the primary structure remains unaltered. One of the examples of the denatured proteins is the coagulation of the egg white when an egg is boiled. What are the common types of the secondary structure of the proteins? Answer: There are the two common types of the secondary structure of the uh, proteins are the alpha helix structure and beta uh, pleated st sheet structure. Alpha helix structure in this structure, the H NH group of the amino acid re residue forms the H bond with the uh, CO uh, group of the adjacent uh, turn of the right-handed screw helix. Is तरीके B-platted sheet structure. This structure is called so because it looks like the pleated uh, plated, uh, plated folds of the drapery. In this structure, all the peptide chains are stretched out of the nearly the maximum extension and then laid side by side. These peptide chains are the held together by intermolecular hydrogen bonds. He, that is.

नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ डू यू एक्सप्लेन एमो दम्फोटैरिक बिहेवियर ऑफ द एमिनो एसिड ये हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में थैंक यू वेरी मच